कह लग्या जी ये तो पार्लीमेंट ने पास करता। फिर मैं उन्होंने कहा वट फॉर यू वट फॉर असेंबली इज। जे पंजाब के लोगों के हितों की राखी तुसी नहीं कर सकते तो पंजाब सरकार बनाने का फायदा की है? भी साढ़े जिहड़े एम एल एज़ ने उन्होंने 95% नूं ये नहीं पता भी ये कानून है की। उन्होंने पैरों हेठ अग मचती है। अज अकाली दल कर रहा रैली, दो तीन दिन कैप्टन ने शुरू कर देनी रैलियाँ। आम आदमी पार्टी अड वाले अड भजे फिरते हैं, असं किसी को खंघन नहीं देंगे। सरकार ने एक बंदे नूं अपना बंदा सी सरकार दा उन्हूं उठाउण दी कोशिश की, इन्ना रौला पिया उहदी एसी जलील करके उन्हूं भजाया, वह बोल ही नहीं सकिया, बोलन नहीं दिता सी उन्हूं। सेंटर सरकार वालों पास किए गए 3 ऑर्डिनेंस जो कि राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद कानून का रूप धारण कर गए, जिस दे विरोध में किसानों वालों लगातार धरने किए जा रहे हैं। साढ़े नाल फतेहगढ़ साहब पहुँचे ने बलवीर सिंह राजेवाल, उन्होंने करते हैं गल, उन्हों का की कहना है? हाँ जी, तुसी की कहेंगे वो बिल पास हो गए ने, किसानों वालों लगातार विरोध किया जा रहा है, थोनू की लगता है वापस हो जाएंगे बिल? डेमोक्रेसी है। हाँ जी, किसी वेले कुछ हैसीयती टैक्स भी इदा ही लग गया सी, लंबी लड़ाई हुई सरकार नूं वापस लेना पिया, तो जो सारे लोग बाहर आ गए तो सरकारां नूं मजबूर कर देंगे वापस हो जाएंगे, कोई ऐसी गल नहीं। लागू होना लोगों पर। हुण तुसीं हैरान हो गए, मैनूं हुणे एक किसी ने वीडियो पाई, महाराष्ट्र में सरकार ने पहला ये कानून लागू करने वास्ते एक ऑर्डर कढ़ता, इन्ना विरोध होया उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया। अज महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लागू करने वाला ऑर्डर वापस ले लिया। ये तो माने की है? ये तो माने यह है भी सरकार लग रहा है हुण असीं लागू नहीं कर सकते। असीं परसों चीफ मिनिस्टर नूं मीटिंग च कहा भी तुसीं कानून पास करो भी ये संविधान की उलंघना हुई है, तो असीं इहनूं लागू करन दा पहलां तो इहनूं रद्द करो, फिर नवां कानून बनाओ भी साडा जिहड़ा पुराना सिस्टम है रहूगा। वो कहण लग्गिया जी ये तो पार्लीमेंट ने पास करता। फिर मैं उन्हूं कहा वट फॉर यू वट फॉर असैम्बली इज। असैम्बली दे की मतलब है? फिर तो पार्लीमेंट च भेज दो, फिर तुसीं थोते की करवाउणा, इत्थे कादे वास्ते बैठे हो? जे पंजाब दे लोकां दे हितां दी राखी तुसीं नहीं कर सकदे ते पंजाब सरकार बनाउण दा फायदा की है? फिर तो मोदी उत्थे करी जांदा, फिर तुसीं उत्थे 13 MP भेजे हुए ने, उन्हां ते सबर कर लो, छड्डो आ कम। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कहिंदा ठीक है जी मैं असैम्बली बुलाऊंगा, असीं का कानून भी बना, अज मेरा AG बैठा है, कानून भी बनावांगे, मैं दिल्लियों बनाए बुलाए हुए एक्सपर्ट, थोड़ा कोई वकील आ उन्हें भी भेज दो, असी थोड़ी सलाह नाल कानून बना लेने, अजलास बुला के करांगे। वो सारा इस करके उन्हें दींदा सी भी 31 दी 31 जथेबंदियां कट्ठियां बैठियां। जदों एक जथेबंदियां ने प्रेशर पाया उदों ही क्यों पहला नहीं थी उन्होंने पंजाब दे हित पता भाई साडा पंजाब आ साडे किसान ने? ये बदकिस्मती समझो इस देश की भी अज का जिहड़ा पॉलिटिशियन है वो 15 दिन लोगों अगे हथ बनता वोटा लैन वास्ते, फिर 5 साल लोगों के हथ बना, वो पैसा खर्च के वोटा लेंदा, शराब दे के वोटा लेंदा, मुद्दों की गल भुल जाता, वो समझदा भी हुण 5 साल मैं सरकार हाँ, लोग मेरिया मिन्नत कर, किसी भी मुद्दों पर पकड़ है नहीं। मैं कह सकदा भी साढ़े जिहड़े MLAs ने उन्होंने 95% नहीं पता भी ये कानून है की। इस तरह साढ़े पार्लीमेंट में हरेक पार्टी को एक या दो बंदे ने जिहड़े बोलण वाले हुंदे ने, बाकी तो सारे इशारा किया होए होए करन वाले ने। ये बदकिस्मती है इस देश की, लोगों ने कदे किसी प्रोग्राम से वोट नहीं पाई, लोग पाउंदे ने वोट, मेरी पार्टी उधर है तो मैं मेरे पिंड च राम सिंह उधर है, शाम सिंह ने दूए पासे पाउणी, उहदे बंदिआं ने दूए पासे पाउणी है, तो ये जदों तक असीं मुद्दिआं ते वोट नहीं पाउण सिखदे उदों तक ये कम इदां ही रहू। अज सारियां पोलीटिकल पार्टियां क्यों भज्जियां फिरदियां? क्योंकि अंदोलन सिर चढ़ गया, साडे उह हमायती नहीं जी, अज भी उन्हां दी कोशिश है भी किसी तरह असीं अंदोलन इधरों किसान जथेबंदियां तो खोलीए। उन्हां दे पैरां हेठ अग मचदी है। अज अकाली दल कर रहा रैली, दो तीन दिन कैप्टन ने शुरू कर देनी रैलियाँ। आम आदमी पार्टी अड वाले अड भजे फिरते हैं, असीं किसी नूं खंघण नहीं दिंदे, उन्हां दी पेश नहीं जांदी, पर उन्हां नूं पता कुछ नहीं, मुद्दों की पकड़ कोई नहीं। असीं बुला के सैमीनार करते हैं, उन्हां नूं नहीं पता भी की हो रहा, सारे डॉक्यूमेंट कढ़ के असीं दिंदे आ, वह MLA ने मिनिस्टर ने उन्हां नूं नहीं पता, बहुते मिनिस्टरां नूं सरकार दी पॉलिसीज़ दे नौ नहीं आउंदे,
गल करते हो तो बहुत अफसोस ना जी। देखा जाए साडे किसान भाइयों नाल लैके ट्रैक्टर रैलियां कढ रहे ने, बड़े कट्ठां च बुला रहे ने। लगता नहीं जी किसानां नूं चाहिए भी अपने एक मुद्दे ते एक झंडे थले कट्ठे होण, क्यों राजनीतिक पार्टियां दे नाल लगदे ने? बहुत सारे लोगों ने एक लॉलीपॉप दिता होया, किसी कहें तेन लैंडमार्क जो बैंक का चेयरमैन ला दूँ, तेन मार्केट कमेटी का चेयरमैन ला दूँ, तेन डायरैक्टर बना दूँ। कहना मैं पता नहीं लोगों तो उत्ते हो गया ना, जो मेरे पिंड वाले ने 10 पिंड वाले उन्होंने तो उत्ते मैं तो डायरैक्टर साहब बन गया, पता कख नहीं उन्होंने भी। वो इन्ने च खुश है, वो अपनी ईगो नूं पट्ठे पाउंदा, होमे नूं पट्ठे पाउंदा। तो यह जे लोग बहुत सारे ने जिहड़े अज पोलीटिकल पार्टी के मगर फिरते ने। जो रियैलिटी पुछो ना, पार्टियां जिहड़े वड्डे लीडर वो भी नहीं उन्हां दी परवाह करदे, इहो जे लोग खराब कर रहे हैं सारी गल नूं, पर सानूं उन्हां दी परवाह नहीं। हुण गिणती दूसरिआं दी वध गई जी। अज दे संघर्ष की गल की जाए, अज की संघर्ष लिखे गए ने जथेबंदियों वल्लों? देखो लोगों का प्रोग्राम चल रहा जी, ये तो मैं अज रिलायंस के जिन्हें पंप ने असी उत्थे किसानों को कॉल दी, उतों तेल ना लाओ जी। असी अज बीजेपी के वड्डे लीडर का सारे का उन्होंने घर के मूहरे अज धरने लग गए, तो जिहड़े वड्डे मॉल ने अडानिया के अंबानिया के उन्होंने अगे धरने लग गए। अज जिहड़ा बठिंडे तो पटियाले तक का पहले गेट में असी कहा भी जी इस सड़क से जिन्हें टोल प्लाजा ने ताकि सेंटर नूं भी सेक लगे, आ सेंटर नूं सेक लाउण दा ही है, नुकसान सेंटर दा हो रहा, अपनी सड़कां नहीं असीं बंद कर रहे। तो इस तरह रोज़ एक नवा मोड़ दिंदे जावांगे ते लड़ाई वधदी जाऊगी। अगे दूजे सूबे नाल भी गठजोड़ किया जाऊगा, दूजिया जिदा यूनियन ने बहरले सूबे दी उन्हां नाल गठजोड़ चल रहा है, पहले ही साढ़े नाल ने हो। जो अंदोलन शुरू होया वो तो हफ्ते के बीच बीच राजस्थान हरियाणा वैसटन यूपी तो पंजाब चार तक कट्ठे होकर लड़े। हरियाणे तुसीं देख लिया की कुछ होया, राजस्थान भी इस तरह बंद रहा, तो ये चार सूबे तो सी हुण अंदोलन अगे वध गया। उड़ीसा च बंद होया, कर्नाटक च बंद होया, तेलंगाना च बंद होया, साउथ दीआं सारीआं स्टेटां च बंद होया, तो ये अगे वध रहा जी। ये की लगता अगे संघर्ष किन्ने लंबे जाणगे? ये बहुत लंबा जाऊगा, सारे मेरा इतने तक नहीं रहना, मैनू लगता है देश की काया कल्प करूगा अंदोलन। इतने मुद्दों पर राजनीति आ जाएगी, जिस तरह लोग बाहर निकले आए तो मैनू लगता भी फिर ये जो होने वाले ने इन्हों का भोग पै जाऊ। लगता है भी पंजाब के हालात या हिंदुस्तान के हालात हुण बदलणगे? हालात पीसफुल रहूगी तो लाजमी बदलेंगे। सरकार बड़ा कुछ कर दी होंगे, जो पॉलिटिशियन ने उन्होंने हाथ से बड़ा कुछ होंगे, वो कितने वायलेंट ना करन, ये असं लोगों को चौकस करते हैं। वायलेंट कर होकर अंदोलन कदे सफल नहीं होंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे अंदोलन सफल होगा। इस वेले तक सारा अंदोलन पीसफुली चल रहा है। अगे भी किया जाता आगू दब लिया जाता, आगूं ते प्रेसर पाया जाता, जे थोनू नहीं लगता कोई इदा का आगूं ते इस बार प्रेसर तो नहीं? कोई एक भी फैसला उदो नहीं होंदा जे कत्ती दे कत्ती बैठे होंने, बैठ के फैसला करते हैं। चीफ मिनिस्टर के कोल गए, 11:30 मीटिंग सी, 8 बजे सारे बैठे, 8 तो 10:30 बजे तक इन पूरा थ्रैश किया, फैसला होगा भी आप 5 बंदे ही बोलणगे, बाकी उत्थे बैठणगे, 5 विचों ही ऐ बोलणगे, एक नंबर ते मेरा नाम, दूए का 2 नंबर ते, इदां ड्यूटियां लगियां, कोई किसे कोई बोलिया नहीं। हाँ सरकार ने एक बंदे नूं अपना बंदा सी सरकार दा उहनूं उठाउण दी कोशिश कीती, इन्ना रौला पिया उहदी ऐसी जलील करके उहनूं भजाया, वह बोल ही नहीं सकिया, बोलण नहीं दिता सी उहनूं। तो एड्डी नहीं गल, इत्थे हुण एक भी फैसला कला बंदा कोई नहीं लैंदा, जदों लैने फैसले असी हर दूजे तीजे दिन मिलते रहने, टैलीफोन ते साडा राबता रहिंदा भी हुण आ हो गया की हो गया, किसी कोई गल आउंदी है, इदां नहीं हुंदा कोई, हुण इह कोई संभावना नहीं, कोई कला बंदा जिहड़ा करू ओह मरू जी, बड़ी सीधी जी गल है। हाँ जी, ये सन बलवीर सिंह राजेवाल जी का कहना है कि अगे संघर्ष तिखे लिखे जाएंगे, हर एक इंसान ये ऑर्डिनेंस वापस कराने लिए संघर्ष कर रहा है, तो किए जाएंगे ऑर्डिनेंस वापस कराने लिए। बाहरले सूबे नाल भी मीटिंगां चल रही ने, सारिया स्टेटा कट्ठिया होकर दिल्ली ते धावा बोलणगियां। फतेहगढ़ साहब तो कैमरामैन मंगे दे नाल मनविंदर सिंह टिवाणा, पंजाबी लोक चैनल।